वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन बजट की बात में। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बजट के हवाले से, जो माली साल 2022 और 23 का बजट पेश किया गया है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। एलोकेशंस के हवाले से बात हुई और इस वक्त जो हमारा जो जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो एनर्जी है। गवर्नमेंट ने भी उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, कुछ एलोकेशंस के हवाले से बात हो रही थी। एट द वेरी सेम टाइम इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और शॉर्ट टर्म मेजर्स की अभी बात हो रही थी क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कुछ देर पहले जो हमारे गेस्ट कह रहे थे कि हमारे पास क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं वो यही हो सकती थी, ये जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस थे आपके पास उनको आपने कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन 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 आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो यहाँ पर वजह करना पड़ेगा और इसके लिए पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बैठना होगा और बैठकर सोचना होगा कि कैसे हम एक पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो अचीव की जा सके। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। और जो एक पिछले कई दिनों से ये बात भी चल रही है यासिर के एक मिसाक जमहूरियत हुआ था और आप चार्टर ऑफ इकॉनमी की मैशियत होना चाहिए और उस पर बात भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उस पर ऑन बोर्ड होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। बजट चूँकि आ चुका है और नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, नंबर्स को देखते हुए ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो चूँकि वो फ्रंट पे हैं, बाकी इतिहाद 11 जमाती इतिहाद उनके साथ ज़रूर है, लेकिन गैर मकबूल और मुश्किल फैसले, अगेन एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है या फिर डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, ये है जी सबसे बड़ा क्वेश्चन। अच्छा जी, स्टूडियोज में गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी ये डिस्कशन जारी है, पैनलिस्ट हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद होंगे, स्टूडियोज में भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे जो गेस्ट हैं मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, एनालिस्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे इन तमाम मामलों पर, खासतौर पर अभी जो कुछ देर पहले बजट पेश किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो, एक दफा फिर आपको बहुत शुक्रिया मेरे साहब। अच्छा मेरे साहब स्टूडियो में और हसन बख्शी साहब हमें लाइन से मौजूद है, बख्शी साहब को भी वेलकम करते हैं। बख्शी साहब वेलकम अगेन। थैंक यू जी। यासिर बख्शी साहब कैसे हैं? हारून रशीद साहब आपका यार मेजर हारून, ठीक है चले ठीक है, इस हवाले से भी बात होगी। अच्छा अब जरा मेजर साहब इस हवाले से बात हो जाए ना, जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैश स्टार्विंग इकोनॉमी है और आपके जो कैश फ्लोज हैं बड़े डिस्टर्ब रहे, वो ओवर द ईयर्स रहे, वो खान साहब की गवर्नमेंट से पहले भी कोई सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के लिए, ये हम पास्ट में भी विटनेस करते आए। मूविंग फॉरवर्ड अगर ये पॉलिटिकल अभी जैसे सिचुएशन है, ये एक टर्मोइल आया है, इसकी वजह से हमने देखा चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है कि ये जो कैश स्टार्विंग इकोनॉमी है ये इस तमाम मामले को, ये सारी सिचुएशन को ओवरकम कर सकेंगे अगर इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल रहेगी? पहले तो चाहूँगा ज़रा यहाँ से स्टार्ट किया जाए। यस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी नाइस ऑफ यू दैट यू हैव इनवाइटेड मी अगेन इज ऑल आवर्स। एंड अगर मैं कैश स्टार्विंग कंट्री, यस असल में बात यह है कि अगर आपका आपका डिलेमा ये हुआ कि कायदे आदम थोड़े अरसे के लिए रहे और उसके बाद लियाकत अली खान थोड़े अरसे के लिए रहे, उसके बाद जो भी आई ना फौजी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, मिक्सचर मजबूरियाँ ये वो, और बेनिफिट्स देना अशराफिया को, बेनिफिट देना, लूट मार चोरी, आपकी जुडिशरी वीक है, आपने क्या कहते हैं, आपने आपके पास जो जुडिशरी का सिस्टम वीक है, करप्शन को पकड़ने का सिस्टम वीक है, एफआईए ये वो, माशरा है ना उसी के माशरे से अंदर से लोग आते हैं तो चोरी चकारी चीटिंग ये वो सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, आपके मुल्क के अंदर अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है आपको, सिर्फ है ना कुछ सिंसियर किस्म की लीडरशिप्स की ज़रूरत है जो 10 साल 10 to 15 years continuously same उसके policies के ऊपर चले। right. होता ये है कि 5 साल के लिए या 3 साढ़े 3 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, उसके बाद उसको टॉपल कर दिया जाता है एनी रीजन, और उसकी पॉलिसी सारी नलीफाई कर दी जाती है। दूसरा आता है कहता है वो तो चोर था, फिर दूसरा आता है फिर वो करता है, फिर 3 साल के बाद पता चलता है ये भी चोर था। तो ये सिस्टम है। अभी मुफ्ता साहब के ऊपर मुझे हंसी आ रही है कि उन्होंने अपना जो है ना जो बजट की तकरीर स्टार्ट की उसमें पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट कहता है हुकूमत को गुज़िश्ता पौने 4 साल की बुरी कारदगी की वजह से
पैदा होने वाली अबतरी माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज है। और सर आपका हाउ डू यू डिटरमिन बुरी परफॉर्मेंस, कैसे डिटरमिन? ये आप ये बताएं, इकोनॉमिक सर्वे आपके आया, कोई एक सेक्टर बता दो मुझे, आप कोई एक सेक्टर ठीक है कि आप मुझे बता दो जिसने आपका ना उसने ग्रो नहीं किया। और आप देखेंगे ये उस वक्त हो रहा है जब आप दो साल तक कोरोना में रहे, पूरी दुनिया माइनस में चली गई, आपकी इकोनॉमी स्टेबल रही है, 6% के ग्रो कर रही है, और आप कहते हैं कि बुरी कारदगी। खुदा के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं इनको आपके चैनल या ग्रो अप प्लीज ग्रो अप, बहुत ज्यादा हो गया। बजट तकरीर से कम ये सियासी तकरीर ज्यादा लग रही है, हर जगह पुरानी गवर्नमेंट ने ये किया। ओ भाई अब जो कुछ हो गया हो गया, आप अपना दो, अपना अपना प्लान दो और आप अपनी बात करो। अच्छा, वी यूज्ड टू हैव एक्चुअली सेम प्रैक्टिसेस, ये तो ओवर द इयर्स चला आ रहा है ना, कि हमेशा से हमने देखा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। सर अच्छी चीज को तो अच्छा बोले ना, बुरी चीज को नहीं। नहीं, कंप्लीटली एग्री, हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया। ये सही है, इन्होंने भी बजट स्पीच की तरह मेरे सामने भी माहौल बना दिया। तो ये देखिए, वहां पे तो आज कोई ओपोजिशन में था ही नहीं, तो बजट बड़ा पुरसकून। पहली दफा हमने देखा यासे कितने स्कोर से उन्होंने नंबर पढ़े, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब घबरा रहे थे। वो नंबर शर्म होती है, कोई हया होती है। वो राजा रियाज जो कह रहा, ओपनली कह रहा है कि मैं मुस्लिम लीग का टिकट से लड़ूंगा, उसको है ना ओपोजिशन लीडर बनाएगा, तो फिर कहां से आए आपकी है ना। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट टारगेट्स ना, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके टैक्स कलेक्शन के हवाले से। आपको लगता है ओवर एम्बिशियस हो गए, क्योंकि पास्ट में भी जब बात की थी, आई रिमेंबर 5000 बिलियन की जब बात हुई थी, तो वो बड़ा अनरियलिस्टिक सा फिगर था, लेकिन वी एक्चुअली डन इट, कि हमने उसको कलेक्ट भी किया। देन मूविंग फॉरवर्ड, हम अगर 7000 की बात करें या इवन 8000 की बात करें, कुछ लोगों की तो राय ये कि आपके पास पोटेंशियल बहुत है, यू कैन अर्न मोर देन 8000। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बात ये है कि जब करप्शन नहीं होगी ना, करप्शन नहीं होगी, आपका चेक होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खान साहब ने पूरा चेक कर लिया, लेकिन इसने स्टॉप कर दिया बहुत सी जगह पे, बहुत सी जगह लूप होल्स। वेरी एग्जैक्टली, मैं बड़ा लूप होल्स बंद किए, जिसकी वजह से आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ गई। अब क्या होगा, अब मुझे पता है खुल्ला डुल्ली पार्टियां आई हैं, ये 10 पार्टियां हैं, ठीक है, मैं किसी भी पार्टी से अटैच हूंगा, मेरे पास छापा पड़ेगा, मैं या तो अपने कनेक्शन यूज करूंगा या पैसे देके मुकमुका कर लूंगा। टैक्स तो गवर्नमेंट को देना नहीं है, हमारी जो कौम है ना वो टैक्स तो देती नहीं है, वो देने के लिए तैयार है। सॉरी टू से सारे बिजनेसमैन इसमें सारे शामिल, जिसको मौका मिलता है ना वो बहती गंगा में हाथ धोता है, अनफॉर्चुनेटली जिसको मौका मिलता है। लेकिन अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये अब इम्पॉसिबल है, मैं अभी एफिडेविट पे जिंदा रहूं या ना रहूं, एक साल पे मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं कि 7200 बिलियन का आप जो कह रहे हैं टैक्स ओवरएम्बिशियस है, इट इज ओवर एम्बिशियस, नहीं हो सकता। रीजन, देयर आर 100 रीजन, आपसे पहले ब्रेक में बात हो रही थी भाई, आपने सबसे पहले आपकी जो टैक्स कलेक्शंस जो हो रही थी, और ये जो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा था ना, इंपोर्ट के ऊपर आ रहा था, इंपोर्ट आपने कट डाउन कर दी, तो उससे इफेक्ट होगा। सेकेंड, आपका जो रियल एस्टेट है ना वो ग्रो सबसे ज्यादा, आपके जो पैसे आते हैं ना जो फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंस आते हैं, वो रियल एस्टेट में लगता है, वहां से 70 आपकी है ना जो इंडस्ट्रीज चलती है, तो उन सब में रिसेशन आएगा, आपके सब में रिसेशन आएगा, आपका ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दो वजह से, बिल्कुल सही आपने कहा, और आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया, तो चूंकि बख्शी साहब भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उनका इनपुट भी लेते हैं। बख्शी साहब, आपको रियल एस्टेट में डेवलपमेंट सेक्टर में कुछ इस बजट में नजर आ रहा है, चूंकि पिछली हुकूमत तो बहुत ज्यादा इस पर काम कर रही थी, आप ज़ाहिर उसका हिस्सा थे, इस बजट में आपको क्या नजर आ रहा है बख्शी साहब? अस्सलामुअलैकुम जी, मैंने जितना मिस्टर इस्माइल साहब की तकरीर सुनी है जी जी और समझी है, उससे मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट जो चल रहा था, और रियल एस्टेट के साथ चलने के साथ 70 एलाइड इंडस्ट्री भी चल रही है। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे मजीद बोझ डाला गया है, और जो कैपिटल गेन टैक्स पहले साल में 7%, दूसरे साल में 5%, और तीसरे साल में 2.5% और चौथे साल फ्री था, अब इन्होंने पहले साल बढ़ा के उसको 15% कर दिया है। एक चीज तो इस वजह से अब इस सेक्टर में लोगों की इन्वेस्टमेंट कुछ कम होगी, स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। मेजर साहब ने बताया कि जो रिमिटेंस का फिगर है तकरीबन इस साल 33-36 बिलियन डॉलर, स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट है कि 50% ये फिगर रियल एस्टेट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट, जमीन खरीदता है अपनी फैमिली के लिए कुछ, उसके लिए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट होता है। आज मैंने एक चीज पहली बार देखी कि जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं, उनको भी कुछ इस तरह कहा गया कि वो भी, उनको भी पाकिस्तान में टैक्स किया जाएगा।
जितना मैं समझा हूँ, क्योंकि वो स्पीच में क्लैरिटी नहीं थी, पर जब कल ये तफसील से बताएंगे मेहता साहब तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे ख्याल में अगर आप एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी को भी पाकिस्तान में टैक्स करेंगे तो मुनासिब बात नहीं है। ये तो वैसे ही अपने खून पसीने की कमाई से जो डॉलर खरीदते कमाते हैं उनको रेमिटेंस की सूरत में हमारी मदद करते हैं। सात हजार ये 7 ट्रिलियन का जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से पिछले साल की ग्रोथ थी 6% और वही मोमेंटम रहता तो मुमकिन है ये इस साल 6.5-7% पे होती, तो शायद हम 7% को एक्सीड कर देते हैं। मिस्टर इस्माइल साहब ने खुद ही GDP ग्रोथ स्लो डाउन की है और इसको कहते हैं वो कि हम 5% तक एक्सपेक्टेड है ले आए। मैंने नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट 6% की GDP को खुद चाहती है कि वो 5% पे ले आए। मे बी उनका ख्याल ये है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करके कंजम्पशन को स्लो डाउन करें ताकि इम्पोर्ट्स कर्टेन हो। तो इसका मेरे ख्याल में दूसरा तरीका भी था कि लग्जरी इम्पोर्ट से बैन लगा देते जैसा भी लगाया गया और लोकल अगर जो आदमी उसकी सब्स्टिट्यूशन के लिए इंडस्ट्री लगा था उसको जैसे इमरान खान साहब ने एक टैक्स एमनेस्टी दी थी कि वो लोग इंडस्ट्री लगाएंगे, हम उनसे 5 साल टैक्स भी नहीं लेंगे और सवाल जवाब भी नहीं करेंगे ताकि लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और जॉब क्रिएशन हो। इस किस्म की इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स पॉलिसी से जाना पड़ेगा। अगर हम वही चीज करते रहेंगे जो पिछले 72 साल से होती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, लेकिन बख्शी डोंट यू थिंक कि हमारी ओवरऑल कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा जो वेरी कर रही है पिछले साल के मुकाबले में। इस दफा सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हुई है, कुछ हम ग्लोबल प्राइसेस इंपैक्ट देख रहे हैं कि जहां पे इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आया है वो भी तो ट्रांसलेट हुआ है, उसको कैसे हम फिजल आउट कर सकते हैं, उसको कैसे आप वो करेंगे? देखिए हमारी इकोनॉमी में सबसे अच्छी जो बात थी जो बहुत सारे इंटरनेशनल शॉक्स को हम अब्सॉर्ब कर गए कि यहाँ पर जनरली लिवरेज इतना नहीं है। यहाँ पर कैश बेस्ड इकोनॉमी है जी, जी। और एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है जी। तो जब 2008 में दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हुई तब भी हमारी पाकिस्तान में वो हालत नहीं हुई जो दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर इतनी लोन्स और इतने फाइनेंशियल हैं कि वहाँ लोगों का गुजारना मुश्किल है। आज जो बैंक इंटरेस्ट हो गया, देखिए ये पिछले अद्वार में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ये मेरे ख्याल में हमने 15-20 साल मुशर्रफ साहब के बाद देखा है इतना बड़ा इजाफा। बट अब ये इजाफा हुआ इसलिए कि आपके टर्फ के लोन दिए गए $4 बिलियन के करीब और इसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो तकरीबन 3-4%। बिल्कुल आज मैं अगर लोन लेता हूँ तो इंटरेस्ट रेट है 8-18% जी। और जो आज की इन्होंने इन्फ्लेशन और जो मामला किए तो मेरे ख्याल में ये बैंक की जो बोरिंग है 22-24% हो जाएगी। तो मुझे बताइए कौन से बिजनेस में इतनी ताकत है एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है नहीं, 24% बैंक को कमा के दे, एडमिनिस्ट्रेटिव निकाले टैक्सेस और फिर अपना कुछ इनकम करें? नहीं, ये तो मैच्योर इकोनॉमी के लिए भी फीजिबल नहीं है। एब्सोल्युटली जी, ये एनपीएल भी बढ़ेंगे और इससे वो जाएगा, बैंक से भी आएगा और इकोनॉमी पे भी आएगा। आज से चार महीने पहले लोग बात कर रहे थे एक्सपेंशन की, लोग बात कर रहे थे नई इंडस्ट्री लगाने की, लोग बात कर रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। और अनफॉर्चुनेटली 2 महीने से मैं देखता हूँ कारोबारी हजरात का तमाम तर जो वो है ख्याल, एक तो इस पोलिटिकल नॉन स्टेबिलिटी की वजह से कारोबार में उनका माइंड नहीं है और दूसरा जो उनकी दूसरी तरजीह है कि किसी तरह अपने कारोबार को बचाया या समेटा जाए। लेकिन ठीक है, आपने यासिर चूंकि मेरे साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, किस तरह देखते हैं हुकूमत किफायतशारी के लिए इकदाम कर रही है, प्रीवियस हुकूमत ने भी किए, अब ये कह रहे हैं कि फर्नीचर वगैरह पे और तरक्याती और महंगी जो गाड़ियां हैं पाबंदियां चीजें हैं, पेट्रोल भी सरकारी हलकारों का 40% कट लगा है, तो ऑस्टेरिटी आप ये समझते हैं कि ये इकदाम काफी है
क्योंकि जो इकदाम करने हैं वो नहीं किए जा रहे, ये वो इकदाम है जो जो ना भी करें तो काम चल पॉलिटिकल गिमिक तो नहीं। पेट्रोल अगर 40% डिस्काउंट कर दिया है इन्होंने, कम कर दिया, तो कितने आप इसका फिगर भी लेना कि कितना पेट्रोल बचेगा। एक हमदा शहबाज जब जाता है ना तो उसका आप कन्वॉय देख ले, अभी गरीब मुल्क का कन्वॉय देख ले तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिसेस पास्ट में भी रही है। मेरे साहब ये प्रैक्टिसेस पास्ट में भी थी, इसके लिए सब इक्वली रिस्पांसिबल है। इसको कटेल करने की कोशिश की गई है, ये नहीं करे कि पास्ट में नहीं, तो हम तो पास्ट में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां तो वो चले मैं आप चॉपर्स यूज हो रहे थे, उसी मिनिस्ट्री से पेट्रोल कट करवा रहे हैं लेकिन सीक्रेट फंड से आप उसको पैसा दे रहे, तो फिर बात वही खड़ी है ना, पेट्रोल के पैसे वो बंदा जेब से फिर भी नहीं दे रहा तो फायदा क्या। इस पर मजीद बात करेंगे चूंकि ट्रांसमिशन हमारी खसूसी ट्रांसमिशन बजट की बात जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज का वक्फा है। बात सुनो फरहान, क्या स्टेटस है? नहीं, हमारे पास मजीद टाइम कितना है? ऑलराइट, वी आर टेकिंग ब्रेक। हाँ, तो हम 7:50 तक ही है ना, 8 बजे फिर चेंज हो रहा है ना। अच्छा, तो उसकी भी क्या जरूरत है बॉस, चलें कर लेते हैं। बीपर में कौन देगा? ये लेंगे, मैं तो नहीं लूंगा। नो नो, आप लेते हैं बॉस, आप तो इतना अच्छा, हम तो खैर ले ही लेंगे। सर रहने दे, मुश्किल सवाल कर लूंगा। चलो तो मजा आएगा ना, ट्रांसमिशन लगे काशिफ वासी और अर्शद शरीफ। छोड़ो, बोलो खबरों में दे दिया करो यार, हमारे पास नहीं, हमारे पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, खबरों में दे देना, शौक पूरा कर लेना। 9 बजे ब्रेक आएगी ना, 9 बजे खबरों में। I'm very ruthless at the moment, sir. सर वो चैनल के लिए खराब हो जाएगा, चैनल के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। मुझे माफ करें सर, नहीं सर पंचर हो जाना है, छोड़े। और कितना बचाएं, बचा बचा के यहां तक तो पहुंचा दिया। मसला आप ये कह रहे हैं कि सामने शहबाज शरीफ है, पीछे कोई और है। ओह, खुश के बिल्कुल सुना आपने। फैसल भाई कलर डालना चाह रहे हैं, देखें कलरफुल ट्रांसमिशन। उसके बाद बचेगा क्या बॉस? बात करते हैं पेंशन यार, इधर है नहीं कोई भाई। जी जी जी, पेंशन
जो उन्होंने बढ़ाई है। सर ये तार ना थोड़ा सा।